हेलो फ्रेंड्स, एक फिर नए वीडियो के साथ आए हैं जो कि ये टेबल लैम्प है। अगर ब्रांड नेम देखा जाए तो ओफल्स एलईडी लैम्प। एलईडी लैम्प होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। आप देखते हो गए कि जब भी एज कम ही रहता है इंसान चश्मे पहनने लगते हैं, क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि क्या होता है, बल्ब जो हम घर में यूज करते हैं या कहीं कोई भी बल्ब यूज करते हैं तो आप देखते होंगे डायरेक्ट आप आइस के कॉन्टेक्ट में आप बल्ब को देख नहीं सकते, क्यों, आँख में दर्द होने लगता है। और हम लोग क्या होता है, मेन रीज़न क्या हो जाता है, हम लोग एजुकेशन पढ़ाई ये सब करते हैं तो इसमें क्या होता है, लर्निंग पॉइंट में हमें काफ़ी टाइम तक बल्ब के आगे बैठना पड़ता है कि रोशनी चाहिए जिससे हमारे बुक हो, पेंसिल हो, कॉपी हो, कुछ भी हो, दिखना और लिखना पढ़ने में आसानी हो। इसीलिए ये सब देखते हुए टेबल लैंप लॉन्च किए। टेबल लैंप लॉन्च करने से बहुत बेनिफिट है। बाकी मैं शुरू करता हूँ वीडियो, फिर मिलते हैं आपको बीच वीडियो में, हर इंडिकेट के बारे में बताते रहूँगा। पहले मैं देखता हूँ ये वीडियो टेबल लैंप है क्या और वीडियो में बताता हूँ इसमें है क्या क्या। अगर ब्रांड नेम देखा जाए तो ओफल्स एलईडी लैंप है। एक्स्ट्रा ब्राइटनेस, इसमें 3 ब्राइटनेस मोड है, 1, 2 and 3। एनर्जी सेविंग, ये अदर अगर आप जो एलईडी बल्ब करते हो यूज करते हो उससे ये बहुत बिजली कम खाएगी और इससे एनर्जी सेविंग इसी को बोलते हैं, जिससे बिजली आपको कंज्यूम करने से बचाए, या कुछ एनर्जी सेविंग या सेविंग किसको बोलते हैं, जो हमारा कुछ बैलेंस बचे उसको सेविंग करते हैं, एनर्जी सेविंग उसी का। अगर ये एलईडी लैंप का अगर लाइफ देखा जाए तो 20,000 घंटे है लाइफ इसका। 20,000 घंटे अगर कंटिन्यू चला तो इसका ब्राइटनेस में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि ये साफ इंडिकेट कर रखा है। अगर ये वाट की बात किया जाए तो ये वाट कितना है, 4.8 वाट, मतलब 5 वाट का भी नहीं। बाकी हम चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग करेक्ट और क्या क्या है और क्या नहीं है इसके अंदर। बाकी ऐसे ही हम वीडियो लेकर नए नए आते ही रहते हैं। बाकी हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही हम यूनिक प्रोडक्ट, बाकी अगर कोई प्रोडक्ट का आपको क्वायरी हो तो इसके लिए भी कॉमेंट कर सकते हैं, हम नए नए प्रोडक्ट लेके आते हैं। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। आपको इसके बॉक्स के साथ एक मैनुअल पेपर्स मिलेगा, एक आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा और एक आपका यूएसबी चार्जर, जो कि माइक्रो चार्जर बोलते हैं, नॉर्मल सॉकेट जो नॉर्मल फ़ोन में आते थे, अभी तो सी टाइप का फ़ोन आ रहा है जैसे नॉर्मल यूएसबी रखते हैं, वो आपको एडेप्टर एक मिल जाएगा। वारंटी पेपर में देखा जाए तो अगर इसकी वारंटी की बात कर लिया जाए तो 1 साल कम्प्लीट वारंटी है, आपको कहीं जाने की नहीं ज़रूरत है, होम सर्विस है। बाकी अब चलिए हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये आपका रहा इंडिकेट टेबल लैम्प पूरा, जो कि अगर देखा जाए टेबल लेंथ तो इसकी अगर हाइट की बात किया जाए, पूरे अगर लेंथ की बात किया जाए, ये राउटेड में अगर ये रहते हैं तो 413 mm का ये राउटेड है, ठीक है। और ये जो माउस की एरिया अगर कैपेसिटी की बात कर ले ये साइड की, तो 121 mm का है जिस, और ये वाले थिकनेस की अगर इस एरिए की बात करें, ये ऊपर वाले पोर्शन की बात कर लें, ये ऊपर वाले पोर्शन जो होता है उसको 132 mm की बोला जाता है। चलिए आप बोलते हैं इसको जानते क्या है। ये जो है हमारा क्लिप बेस, इसको हम क्लिप बेस कहते हैं। क्लिप बेस हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्लिप की तरह काम करता है, आप कहीं भी लगा सकते हो या ईजिली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं भी आप कर दोगे तो ये ईजिली काम हो जाएगा, इसको हम क्लिप बेस बोलते हैं, जिससे आप क्लिप की तरह आप यूज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल लैंप, ये जो तार है, ये जो आपको जो भी आप समझ रहे हैं जो इंडिकेट है, ये फिक्सेबल लेंथ है। तो फिक्सेबल हम क्यों करते हैं, इसको तोड़ दीजिए, मरोड़ दीजिए, किसी तरह से कुछ भी कर दीजिए, ये फिक्स हो जाएगा वहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्सेबल, जो कि फिक्सेबल आलम बोलते हैं, ये अलार्म फिक्सेबल से। तीसरा, ये जो एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यही एरिया को हम लोग टेबल लैंप बोलते हैं। और 3 पॉइंट हो गए, चौथे पॉइंट ये टच सेंसर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टच सेंसर, जो कि ये टच सेंसर जो कि 3 मोड पे, आपको हम शुरू में ही बता रखे थे 3 मोड पे चले गए, बंद हो गया, फर्स्ट मोड पे, सेकेंड मोड, थर्ड मोड एंड थर्ड मोड। तो आपको ये कहना होगा कि बैटरी लाइफ इसका क्या होगा, बैटरी कैसे चलता होगा, क्या चलता होगा, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो ये इसका जो वर्किंग टाइम है, अगर आप 100% पे चलाते हो, चलिए हम शुरू से बताते हैं, आप पहले बंद करते हैं फिर हम बताते हैं आपको इसको स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे चलाते हो तो ये 10% पे चलता है, ओनली 10% ब्राइटनेस है। तो 10% पे अगर आप चलाते हो तो ये आपको 30 घंटे बैटरी बैकअप देगा, 30 घंटे कंटिन्यू, 30 आवर्स तक आप चला सकते हो, ठीक है, सॉरी 30 आवर्स तक नहीं, 60 आवर्स तक आप चला सकते हो फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, उस पर आप 60 आवर मतलब 60 घंटे तक कंटिन्यू चला सकते हो, ये बंद नहीं होगा। सेकेंड में 50% 50+ ब्राइटनेस हो गया है, तो इसको अगर आप 50% करोगे तो 30 घंटे अगर फुल चार्ज हो जाएगा, 30 घंटे इजीली चल जाएगा।
अगर 100% फ्री मोड है, अगर 100% ब्राइटनेस में, जैसे ये 100% है, 100% ब्राइटनेस पे चलाते हो तो इसका बैटरी की लाइफ जो होगी 6 घंटे होगी। और मेन रीज़न आपको ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ USB चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, ये आपका क्लिप पॉइंट है जो कि आप कहीं भी ईजी टू रिमूवल कर सकते हैं, इसके लिए दे रखा है। और इसका जो चार्जर है 5 वोल्ट का चार्जर इनपुट इसमें आएगा। और इसकी अगर वेट की बात कर ले तो 0.35 ग्राम्स ओनली वेट है इसका, ठीक है। और अगर हम इसमें कौन सी बैटरी डलती है इसकी बात कर लिया जाए तो बैटरी जितने भी डलते हैं सारे अल्टीमा, मतलब एल्कालाइन बैटरी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो मेल्ट नहीं होता, फटता नहीं। दूसरा, अगर इसका बैटरी कैपेसिटी की बात कर ले तो 1800 mAh की बैटरी इसमें लगाया, 1800 mAh की बैटरी लगा हुआ। तो और प्रोडक्ट की वारंटी 1 साल। बाकी हमको सबसे बढ़िया ये टेबल लैंप पे ये लगा कि जो इसकी वायर है आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग फिक्सेबल कर सकते हैं। और बाकी जो भी वीडियो के अंदर आपको समझ में नहीं आया कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा, उसके लिए हम पर्सनल वीडियो आपको शेयर करेंगे या पर्सनल बना के आपको मेल पे कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।